Hello, good morning everyone. So today we'll discuss megasporogenesis in the fourth part of chapter 2. So let me start. In the previous class we had already talked about the structure of ovule and I have told you inside this ovule. ये ओव्यूल के अंदर आपके जो सेल्स हैं दे एक्ट एज एमएमसी और मेगास्पोर मदर सेल एंड हियर एक्चुअली द डेवलपमेंट टेक प्लेस ऑफ मेगास्पोर. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट. सो बच्चे यहाँ पर आपका ये सेक्शन दिख रहा है. सेम ओव्यूल में भी आपका ओव्यूल के अंदर जो स्टार्टिंग में सेल्स होते हैं दे आर होमोजीनस इन नेचर एंड फ्रॉम दीज सेल्स वन ऑफ द सेल इट गेट एनलार्ज एज इट इज गेटिंग अ मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन फूड. तो ये बाकी सारे आर्किस्पोरियल, इन सेल्स को भी हम आर्किस्पोरियल सेल्स ही कहते हैं. सो इन सब आर्किस्पोरियल सेल में एक सेल जो है वो एनलार्ज होता है, उसमें ज्यादा फूड रिजर्व होता है एंड दिस सेल इज नोन एज MMC और मेगास्पोर मदर सेल. फाइन, नाउ सी दिस मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड इन नेचर. क्योंकि अभी ये ओवरी जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, फ्लावर में प्रेजेंट है एंड फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट. तो प्लांट कैसे डिप्लॉयड नेचर, प्लांट डिप्लॉयड तो ये फ्लावर भी डिप्लॉयड और फ्लावर डिप्लॉयड तो ये ओवरी भी डिप्लॉयड. सो यहाँ पर इस ओवरी के इनसाइड अभी जितने भी सेल्स है दे ऑल आर डिप्लॉयड इन नेचर. सो दिस MMC आर ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर, is also deployed in nature and this MMC, megaspore mother cell undergo meiosis. अब meiosis में आपको पता है meiosis 1 भी होगा, meiosis 2 भी होगा. Fine? So यहाँ पर एक mitotic division होता है जिसके अंदर आपका 1 and 2 दोनों मैंने एक साथ ही शो कर दिया है. तो meiosis 1 होगा तो एक सेल से दो सेल बनेंगे एंड आफ्टर meiosis 2 यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फोर सेल स्टेज दिखेगी. फाइन, तो आफ्टर मियोटिक डिवीजन व्हाट वी आर गेटिंग मेगास्पोर टेट्राड. जैसे वहां माइक्रोस्पोर टेट्राड मिला था, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, मेगास्पोर टेट्राड. एंड क्योंकि टेट्राड बना कैसे, मियोसिस से, तो दिस द सेल ऑफ दिस टेट्राड इज ऑल हैप्लॉइड इन नेचर. फाइन, नाउ आउट ऑफ दिस फोर सेल्स 3 gets degenerated and only one of the megaspore remain functional. So these 3 are called degenerating megaspore and the one which is going to divide further is called functional megaspore. So ये एक अभी आपका further division में जाएगा जिसे हम functional मेगास्पोर कह रहे हैं. अब अच्छा यहाँ पर आपका टर्म है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फंक्शनल, अब यहाँ देखिए एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहा और ये मेगास्पोर से, एक फंक्शनल मेगास्पोर से यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ कंप्लीट बनने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट या फिर उसे हम कह रहे हैं एम्ब्रियो सेक. और इस एम्ब्रियो के सेक के इनसाइड ही आपका क्या प्रेजेंट होगा, एग. यानी एक फंक्शनल मेगास्पोर क्या बना रहा है, ये आपका डिवाइड होके एग बना रहा है. सो जहां पर आपका एक ही फंक्शनल मेगास्पोर कंप्लीट एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करे दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मोनो मतलब एक, स्पोरिक टर्म है मेगास्पोर के लिए. एक मेगास्पोर जो है वो आपका सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर कंप्लीट एम्ब्रियो सेक फॉर्म कर रहा है. सो दैट इज कॉल्ड योर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर इट अंडरगो माइटोसिस 1. फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में गया. अच्छा यहाँ पर देखिए माइटोटिक डिवीजन में जाएगा तो पोलाइडी तो सेम रहेगी. अब जहां पर भी माइटोटिक है तो पोलाइडी मैंने बार बार मेंशन नहीं की है, हैप्लॉयड ही रहेगी. अब माइटोसिस डिवीजन में जब जाता है सो यहाँ पर आपका क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है बट दैट कैरियोकाइनेसिस डजंट फॉलोड विद द साइटोकाइनेसिस. तो यहाँ कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन हुआ बट उसके साथ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ. सो माइटोसिस 1 से आपका क्या हुआ, जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो डबल हो गए. देन माइटोसिस 2 हुआ तो अब ये दो न्यूक्लियस क्या बनाएंगे, दोनों डिवाइड करेंगे तो दो से कितने बने, 4. फिर थर्ड माइटोसिस डिवीजन हुआ और 4 से कितने बने,
आपके 8 बने, ठीक है। अब ये चारों डिवाइड करेंगे तो 8 बनाएंगे। सो यहाँ पर आपकी एक सेल स्टेज आई, दिस इज द टू सेल स्टेज, सॉरी टू सेल तो यहाँ बने नहीं है बच्चा, सो वी आर कॉलिंग देम टू न्यूक्लिएटेड स्टेज, देन दिस इज 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज, दिस इज 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, एंड आफ्टर दिस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ये सारे न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद न्यूक्लियस का क्या होता है, रीअरेंजमेंट, एंड दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सो 4 आपके अबव साइड जाएंगे एंड 4 आर मूव टू द लोअर साइड। देन आफ्टर दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इन 4 में से बचा एक एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में अरेंज होता है, असेंबल होता है, एंड इसके बाद यहाँ पर फॉलो होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस हर न्यूक्लियस के अराउंड सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ऊपर 3 थे, एक यहाँ से मूव कर सेंटर में आया, एक यहाँ से मूव कर सेंटर में आया, तो सेंटर में आपके 2 न्यूक्लियस है, एंड ये 2 न्यूक्लियस सिंगल सेल में है, एक ही एनवलप है। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एम्ब्रियो सेक, और वी कैन से फीमेल गैमेटोफाइट। सो इफ इन 2 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक यू हैव टू ड्रॉ द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक, तो आपको ये सेक्शन ड्रॉ करना होता है। अब इसमें बच्चा जो आपके ऊपर वाले 3 हैं इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। इन द सेंट्रल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर सेल, एंड इस पोलर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। देन दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल विच इज कॉल्ड एग एपरेटस। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एग एपरेटस कहते हैं, जिसके अंदर 1 एग सेल होता है एंड 2 सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट। ओके, इन दिस 2 सिनर्जिड्स यहाँ पर बच्चा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इफ आई एनलार्ज अ सेक्शन तो ये आपके सिनर्जिड्स हैं, एंड इन सिनर्जिड्स में आपका क्या है, सो दिस इज द सिनर्जिड, एंड इन सिनर्जिड पे टिप रीजन पे बच्चा इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। इस सिनर्जिड में भी प्रेजेंट होगा लाइक दिस, राइट। सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस इसका फंक्शन हम आगे बात करेंगे। ये फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन बच्चा क्या होता है कि जब यहाँ पर मेल गैमिट आएगा तो ये मेल गैमिट को एंट्री पाथ जो है वो शो करता है कि कहाँ से एंटर होना है। तो ये डायरेक्ट करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। व्हाट इज फिलीफॉर्म एपरेटस इज डूइंग, इट इज डायरेक्टिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, दैट विल डिस्कस ऑन लेटर। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। यहाँ पर आपका एग एपरेटस किससे बना हुआ है, एग एपरेटस इज फॉर्म्ड ऑफ एग एंड 2 सिनर्जिड सेल, फाइन। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चा तो यहाँ पर सिनर्जिड सेल जो होते हैं ये भी न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एंटीपोडल्स जो है ये भी कैसे है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये दोनों ही न्यूट्रिटिव है, और एग और पोलर सेल जो है ये आपका इन्वॉल्व होंगे किस में, फर्टिलाइज में, फाइन। ओके, नाउ वन मोर पॉइंट दैट इफ वी लुक आउट दिस एम्ब्रियो सेक, दिस इज व्हाट, 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लियस है, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 न्यूक्लियस सेंटर में, सो इट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर, एंड दिस 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। इस तरह के एम्ब्रियो को हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी आपके 13-14 टाइप्स के होते हैं बच्चा। सो यहाँ पर जहां पर 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल हो और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से फॉर्म हुआ हो, यानी पूरा एम्ब्रियो सेक एक मेगास्पोर ने फॉर्म किया हो, तो उस तरह के एम्ब्रियो सेक को हम क्या कहते हैं,
पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक. फाइन. सो हम यहाँ पर कल कुछ टर्म कर रहे थे, ये टर्म सब सारी कवर हो गई हैं. पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक क्या है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, ये भी एनाट्रोपस हमने कल भी पढ़ी थी, हम आज दोबारा स्टडी कर लेंगे. फाइन. अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट की, तो ओवरऑल डेवलपमेंट में आपका डिवीजन कितना हुआ? अच्छा, यहाँ एक मेगास्पोर मदर सेल में पहले एक आपका हुआ मियोसिस, ठीक है, जिससे आपका टेट्राड फॉर्म हुआ, और उस टेट्राड में फिर एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर कितने माइटोटिक डिवीजन हुए? 3 माइटोटिक डिवीजन, और उसके बाद हमें क्या मिला है? एम्ब्रियो सेक मिला है. तो यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल, एक एम्ब्रियो सेक, या फिर हम कहें एक एग फॉर्म कर रहा है, जबकि मेल के केस में क्या था कि वहां पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो था वो आपका कितना, 1 मियोसिस, उसमें भी क्या हुआ था, 1 मियोसिस. एंड पोलन डेवलपमेंट के टाइम पर अगर माइक्रोस्पोर पूछे तो हम सिर्फ मियोसिस देंगे, अगर पोलन पूछे पूरा पोलन बनने तक, तो यहाँ पर पोलन डेवलपमेंट हुई थी जहां पर वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल बना था, तो एक डिवीजन वहां हुआ था, और फिर जनरेटिव से मेल गैमेट बने थे तो दूसरा डिवीजन वहां हुआ था, यानी कि एक मियोसिस और 2 माइटोटिक डिवीजन से कितनी पोलन बनी थी वहां पर? 4 पोलन बनी थी. फाइन. सो दिस इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और एंड फीमेल गैमेटोफाइट. तो यहाँ पर हमने दोनों की डेवलपमेंट पढ़ ली है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एम्ब्रियो सेक की हम बात करें. सो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, सॉरी टाइप्स ऑफ ओव्यूल, एम्ब्रियो सेक नहीं, एम्ब्रियो सेक आपके 13-14 टाइप के होते हैं. इफ आई हैव टाइम आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. तो यहाँ पर टाइप ऑफ ओव्यूल्स की बात कर लेते हैं. जैसे कल हमने बात की, हमने जो स्टडी किया वो कैसा था, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, जहां पर क्या पॉइंट था कि दिस इज द माइक्रोपाइल एंड दिस इज द चैलेजल एंड एंड दिस वन इज फ्यूनिकल. आपको ये 3 पॉइंट याद रखने. फाइन. सो यह माइक्रोपाइल एंड चैलेजल जो है दे आर एट 180 डिग्री एंड फ्यूनिकल विद माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल दे आर एट द सेम लाइन, कि फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल दे लाई ऑन सेम लाइन एंड दिस कंप्लीट ओव्यूल इज इन्वर्टेड. ये पूरा कैसा है, उल्टा हो रखा है. फाइन. तो ये ओवरी वॉल थी, तो ये पूरा क्या है, ओवरी वॉल में उल्टा है, टिल्ट हो रखा है. तो दिस इज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल. Now one is orthotropous type of ovule. This is upright ovule. Upright कि यहाँ पर ये ovary है and ovary में this is placenta और ये placenta से straight आपका present है, तो यहाँ पर micropyle, this is a micropyle and this is micropyle and this is chalazal and this one is funicle. Stalk थी ना, stalk जो कि आपका placenta और ovule को connect कर रही थी. तो यहाँ micropyle, chalazal and funicle ये तीनों ही 180 पर है. यहाँ देखो funicle 180 पर नहीं था, ये inverted हो रखा है. तो funicle अगर हम कहें तो chalazal के क्या है, 90 degree पर है और micropyle के साथ same line पर है, यानी कि दोनों एक ही distance पे होते हैं. तो यहाँ माइक्रोपाइल चैलेजल एंड फ्यूनिकल दे आर ऑन द सेम प्लेन, वो एक प्लेन पर है 180 डिग्री पर. फाइन. दिस इज ऑर्थोट्रोपस और अपराइट टाइप ऑफ ओव्यूल. नेक्स्ट इज हेमीट्रोपस. हेमीट्रोपस में क्या बचा, दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज चैलेजल एंड दिस इज फ्यूनिकल. सो इफ आई से माइक्रोपाइल एंड चैलेजल, दिस इज माइक्रोपाइल एंड चैलेजल, दे आर एट 90 डिग्री पर है ना, दे आर एट 90 डिग्री विद द फ्यूनिकल. सो यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड चैलेजल जो है वो फ्यूनिकल से क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे. फाइन. नाउ टू द नेक्स्ट. अच्छा, हेमीट्रोपस, हेमी बोलते भी इसलिए कि हाफ टिल्ट हुआ है. यहाँ देखो, यहाँ तो पूरा घूम गया था, यहाँ पर अभी आधा घूमा है, ये आधा घूमा है, फिर ये घूमता घूमता इस तरह से है, ये घूमता घूमता इस तरह से पूरा टिल्ट हो जाता है. तो यहाँ पर हेमी मतलब 90 डिग्री पर है. नाउ नेक्स्ट इज कैम्पाइलोट्रोपस. कैम्पाइलोट्रोपस इज वॉट कि यहाँ पर आपका जो ओव्यूल है वो ओव्यूल आपको किस तरह का दिख रहा है, ओव्यूल में बच्चा आपको जो माइक्रोपाइल है एंड चैलेजल एंड है
ये क्या दिखते हैं, ये थोड़ा सा टिल्ट होते, मींस दे आर एट 45 डिग्री एंगल, फ्यूनिकल से 45 डिग्री एंगल पर। अगर ये थोड़ा स्ट्रेट हो जाते तो ये हेमिट्रोपस बन जाते। तो अगर फ्यूनिकल फ्यूनिकल से जो माइक्रोपाइल एंड चैलेजल है वो कितने एंगल पर है, दे आर एट 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल पर अगर है तो दैट इज कैम्पाइलोट्रोफस टाइप ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट इज योर एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। एम्फीट्रोफस में क्या होता है कि यहाँ पर दिस इज द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो सेक, तो यहाँ पर एम्ब्रियो जो होता है वही कर्व हो जाता है, यानी कि वही क्या हो जाता है, टिल्ट हो जाता है, कर्व हो जाता है, घूम जाता है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीट्रोफस, कि यहाँ पर क्या है, हॉर्स घोड़े का जैसा पैर होता है ना, उस तरह का स्ट्रक्चर है, घोड़े का पैर जैसा हॉर्स शू शेप है इसके। एंड यहाँ पर इसके अलावा एम्ब्रियो जो है वो भी कर्व हो गया है, यहाँ कहीं पर भी एम्ब्रियो कर्व नहीं था, यहाँ एम्ब्रियो भी क्या है, कर्व हो गया। सो दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ एम्फीट्रोफस ओव्यूल। नेक्स्ट इज सर्सिनोट्रोफस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोफस जहां पर आपका दिस इज द फ्यूनिकल, दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज चैलेजल एंड, तो यहाँ पर कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री घूम गया है पूरा। तो कंप्लीट अगर रोटेशन हो गया है एम्ब्रियो का, सो दैट इज सर्सिनोट्रोफस ओव्यूल। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, कभी कभी देती हूँ, कर लिया करो। तो आई एम गिविंग यू होमवर्क, यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल, यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज ओव्यूल, की कौन सी फैमिली में, कौन सी फैमिली या फिर कहाँ पर आपको सर्सिनोट्रोफस एम्फीट्रोफस दिखा, तो आपको इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फाइन, ओके। नाउ इट मूव्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अभी तक हमने जो बात की किसकी की, हम यहाँ पर भी बात क्या कर रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि रिप्रोडक्शन में हम तीन चीज पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन यानी गैमेट फ्यूजन से पहले क्या क्या हुआ, तो हमने अभी तक क्या बात कर ली, गैमेट फॉर्मेशन की बात कर ली है, कि जहां पर आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने बात किया कि मेल गैमेट कैसे बना है, और इसके अलावा हमने बात की किसकी, मेगास्पोरोजेनेसिस की, कि फीमेल गैमेट जो है वो कैसे बना है। अब इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन में सेकेंड पॉइंट आता है गैमेट ट्रांसफर का, यानी कि अब ये मेल गैमेट, दिस मेल गैमेट, हाउ दिस मेल गैमेट रीचेस टू द फीमेल गैमेट, कि ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे रीच करता है, एंड दैट प्रोसेस ऑफ गैमेट ट्रांसफर इज नोन एज पॉलिनेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं बच्चा। अब पॉलिनेशन में बात करते हैं, बेसिक छोटी छोटी आपकी डेफिनेशन है विच यू हैव लर्न इन योर 10th क्लास ऑल्सो, दैट पॉलिनेशन इज वॉट, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट। दिस इज द एंथर, ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, तो इस एंथर में जो पॉलन बनी, इस पॉलन का ट्रांसफर कहाँ से, एंथर से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक, उसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन कह रहे हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, सो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, एंड दिस फिजिकल प्रोसेस रिक्वायर्स सम पॉलिनेटिंग एजेंसीज, कि यहाँ पर कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं जो कि इस पॉलन को फीमेल पार्ट तक कैरी करके लेके जाए। तो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, वो एजेंट्स विच आर कैरिंग द मेल पार्ट और पॉलन अप टू द फीमेल पार्ट, जो इसे ट्रांसफर करने का, और विच आर हेल्पिंग इन द ट्रांसफरिंग ऑफ मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, कि जो आपके मेल पार्ट का ट्रांसफरिंग में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज योर पॉलिनेटिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर पॉलन जो है एयर करंट के थ्रू, एयर के साथ पॉलन मूव कर रही है, देन दैट पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, एयर, तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली। अगर वाटर है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। अगर इंसेक्ट है उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। इफ इट इज बर्ड वी आर कॉलिंग देम ऑर्निथोफिली।
ठीक है, बर्ड की स्टडी को भी ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कहीं पर भी ऑर्निथो टर्म है दैट इज रिलेटेड टू बर्ड। एनिमल से रिलेटेड जू आपको पता है, एनिमल से रिलेटेड होगा तो जूफिली, ये इम्पॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम्स वगैरह में आ जाते हैं। दीज आर सिंपल, देखो एयर से ए है, हाइड्रो वाटर से एच है, तो ये इजी है बच्चा। बर्ड के लिए टर्म याद रख लीजिए, कहीं पर भी ऑर्निथो टर्म आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू बर्ड। जू भी इजी है, याद है आपको, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। सो हेयर सम मोर टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर देयर। अगर बैट्स जो होते हैं वो पोलन का ट्रांसफर करवा रहे हैं, देन दैट पॉलिनेशन इज कॉल्ड चिरिट्रोफिली। इफ एंट्स आर इन्वॉल्व देन दैट इज कॉल्ड मिरमैकोफिली, एंड इफ स्नेल्स आर इन्वॉल्व देन दैट इज कॉल्ड मेलापोफिली। सो दीज आर सम ऑफ द पॉली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, डिपेंड्स ऑन वॉट काइंड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर इन्वॉल्व, कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व है उसके बेसिस पर ये क्या है, डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन है। फाइन, इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन को डिवाइड किया गया है, इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती है, ये भी आप टेंथ में पढ़ चुके हो, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये सेल्फ और क्रॉस है क्या बच्चा, सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, वन इज ऑटोगैमी, सेकेंड इज जिटिनोगैमी। फाइन, नाउ व्हाट इज ऑटोगैमी, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब तो आपको पता है सेल्फ, अपने ही अंदर, ठीक है, गैमी होता है गैमेट्स, अपने ही गैमेट्स में ट्रांसफर हो रहा है। सो इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, दिस इज अ पॉलन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, देन दैट ट्रांसफर और दैट पोलिनेशन इज कॉल्ड ऑटोगैमी, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम फ्लावर जो है प्लांट का, उसके बीच में ही आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है बच्चा, तो अंडरस्टूड है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, बायसेक्सुअल, बाय मींस दो, किसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स प्रेजेंट होने चाहिए। सो फ्लावर कैसा होना चाहिए, हमेशा बायसेक्सुअल होना चाहिए। इसके अलावा फ्लावर के कुछ और करेक्टर, कि इस तरह के बायसेक्सुअल फ्लावर क्लिस्टोगैमस भी होते हैं और चेस्मोगैमस भी होते हैं। क्लिस्टोगैमस जो होंगे यहाँ पर श्योरली, ये बिल्कुल श्योरिटी देंगे कि यहाँ पर श्योरली आपका क्या होगा, ऑटोगैमी ही होगा और कोई पॉसिबल ही नहीं है। वो क्यों बचा, क्लिस्टो टर्म से याद रखना, क्लिस्टो टर्म कली से रिलेटेड, कली से रिलेट कर रही है, तो क्लिस्टो क्या होता है, वेयर द फ्लावर इज नॉट गोइंग टू एक्सपोज इट्स मेल एंड फीमेल पार्ट इन एनवायरमेंट, जहां पर फ्लावर जो है वो बर्ड की फॉर्म में रहते हैं, ओपन नहीं होते हैं, एंड अगर ओपन हो भी रहे, मान लो ये फ्लावर है, ये बर्ड की फॉर्म में है और ये क्लोज है, ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल और मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, तो वो एनवायरमेंट में एक्सपोज नहीं हो पाते, तो यहाँ पर जो मेल बनेगा वो इसी फीमेल के साथ फ्यूज होता रहेगा, तो यहाँ पर क्लिस्टोगैमस भी हो सकता है। कई फ्लावर ऐसे भी होते हैं, जर्नली जरूरी नहीं है कि बर्ड की फॉर्म में हो, आपका ओपन भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर जैसे आपका जो पी प्लांट होता है वहां पर आपको ये फ्लावर ओपन सा दिखता है, बट उसके इंटरनल पेटल जो होता है सबसे अंदर वाला वो क्लोज होता है, और मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर क्लिस्टोगैमस का सिंपल मतलब है फ्लावर विच डू नॉट एक्सपोज, आई एम राइटिंग द डेफिनेशन हियर, फ्लावर which do not expose its reproductive part. If you have to extend more, तो आप इसे और elaborate कर सकते हैं, male और female part लिख सकते हैं, reproductive part in environment. तो वो फ्लावर जो अपने reproductive part को environment में expose नहीं करते हैं, they are कॉल्ड क्लिस्टोगैमस, कली की फॉर्म में बंद से रहेंगे और उनके पार्ट एक्सपोज नहीं होते। द नेक्स्ट इज चेस्मोगैमस, यहां पर फ्लावर जो होते हैं दे एक्सपोज देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनवायरमेंट,
वो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट को एनवायरमेंट में एक्सपोज करेंगे, फाइन। सो दैट आर कॉल्ड चेस्मोगैमस। तो जो ऑटोगैमी शो करने वाले होते हैं वो क्लिस्टोगैमस यानी कि कली की फॉर्म में भी हो सकते हैं और हो सकता है वो ओपन हो। अब ओपन होंगे तो फिर ऑटोगैमी यानी कि इसी में क्यों जा रहा है बाहर और किसी फ्लावर में क्यों नहीं जा रहा, वो हम आगे बात करेंगे बच्चा फैक्टर्स को, तो उसमें हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब अच्छा यहाँ देखिए, अगर इसका पोलन इसी के स्टिग्मा पर गिरता रहे तो यहाँ पर प्लांट तो एक ही है, बाहर ये पोलन मूव ही नहीं कर पा रहा, तो यहाँ वेरिएशन हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। वेरिएशन तो तब होता है जब दो चीजों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तब कोई नई चीज बनेगी। तो यहाँ पर वेरिएशन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर वो नेग्लिजिबल वेरिएशन होता है। तो हियर द वेरिएशंस आर नेग्लिजिबल, और क्योंकि वेरिएशन नेग्लिजिबल है यानी यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा है, जो प्लांट का जीनोटाइप है वही जीनोटाइप आगे भी बनता जाएगा, सेम जीनोटाइप बनता जाएगा, क्योंकि इसका मेल इसी फीमेल के साथ कर रहा है, तो इनके जीन्स तो ऑलमोस्ट सेम है ना, क्योंकि ये आपका प्लांट के अंदर ही है आपका, तो जीन्स इसमें सेम होंगे। तो यहाँ पर वेरिएशन जीन्स में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, और इस वजह से प्योर लाइन्स आपके जनरेट होते, प्योर लाइन्स हम कहते हैं जहां पर पेरेंटल करेक्टर्स क्या रहे, पेरेंटल करेक्टर इंटैक्ट रहे। तो यहाँ क्या रहेगा, पेरेंटल करेक्टर इंटैक्ट रहेंगे, प्योर लाइन्स जो है वो जनरेट होगी और पेरेंटल ट्रेट जो है वो मेंटेन रहेंगे, फाइन। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑटोगैमी, फाइन। इन द नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन एंड अदर फैक्टर्स। तो अभी हमने आज क्या बात की है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात की है। नेक्स्ट विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।